ये कहानी 14 साल की लड़की डायना पर आधारित है, जो अपनी उसी उम्र में वो सब कुछ करना चाहती है जो चार दीवारी के बीच होता है। उसके लिए वो अपने एक दोस्त का सहारा लेती है, पर उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाती। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है पप्पी लव। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम डायना नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्त एंथनी के घर आई हुई थी ताकि वो उसके साथ गपागप करके जिंदगी का आनंद ले सके। डायना अपना सब कुछ उतार लेती है और एंथनी से बोलती है कि तुम बकवास में टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद दोनों गपागप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाता क्योंकि ये सब उनका फर्स्ट टाइम था। डायना की मॉम नहीं थी और वो अपने पापा क्रिश्चियन और छोटे भाई के साथ रहती थी। रात को डायना टीवी पर गपागप की वीडियोस देख रही थी, तभी उसके पापा उससे आके पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, जिस पे डायना बोलती है कि मैं टीवी देख रही हूँ। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई कि टीवी पर आकर ऐसा कौन सा चैनल होता है जिसपे घबा घब आता है। उसके बाद उसके पापा उससे बोलते हैं कि टीवी बंद कर दो, जिसपे वो बोलती है कि मैं टीवी बंद करके सो जाऊंगी और आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पर ये बेचारा चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाता है। उसके बाद डायना को आधी रात को नहाने का मन करता है और नहाते वक्त वो अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन डायना के स्कूल में उसके दोस्त बात कर रहे थे कि अपना सील तोड़वाने में काफी दर्द होता है। डायना ने एंथनी को सीडी दी थी और क्लास खत्म होने के बाद वो एंथनी के घर जाती है और वो एंथनी से पूछती है कि क्या तुमने वो फिल्म देख ली, जिसपे एंथनी मना कर देता है। डायना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एंथनी उसे रोकने की कोशिश करता है। तब वो एंथनी को एक चुम्मा देके वहाँ से चली जाती है। दरअसल डायना ने एंथनी को एक गपागप की सीडी दी थी ताकि वो उसे देख के कुछ सीख पाए और बाद में वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करे। रात में डायना अपने पापा और भाई के साथ डिनर कर रही थी, तभी वहाँ जूलिया नाम की लड़की आती है और वो क्रिस्टल से बोलती है कि हम आपके नए पड़ोसी हैं, मेरी माँ को पियानो क्लास के टीचर की जरूरत है और अगर आपकी नजर में कोई टीचर है तो आप हमें जरूर बताना। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डायना अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे जाती है, जहाँ उसे जूलिया मिलती है। वो जूलिया से बोलती है कि मुझे पियानो टीचर का नंबर मिल गया। इस पर जूलिया बोलती है कि मुझे पियानो टीचर का नंबर नहीं चाहिए, मैं पियानो टीचर के बहाने तुम्हारा थोबड़ा देखने आई थी। उसके बाद डायना जूलिया को पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, जिस पर जूलिया बोलती है कि तुम शाम को मुझे लेने आ जाना। शाम को डायना आटा लगाकर तैयार हो रही थी और वो जूलिया को अपने साथ पार्टी में लेके जाती है। पार्टी में डायना अपने दोस्तों के साथ बकचोदी का फॉर्म भरने लगती है और उसके बाद वो जूलिया को ढूंढने लगती है। ओ सॉरी सॉरी, गलत कमरे में आ गई। उसके बाद वो जूलिया को बाहर ढूंढने लगती है। वो जूलिया से बोलती है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। जूलिया उसे बोलती है कि मैं पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। डायना उसे घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे खुले और ओपन आसमान के नीचे एंजॉय करना है। जिस पर डायना बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकती हूँ। जूलिया बोलती है कि हाँ, पर मैं कुछ भी करूं, चाहे कुत्ता डांस करूं, तो मुझे मत रोकना। उसके बाद जूलिया एक कार रुकवाती है जिसमें दो लड़कों ने काफी ड्रिंक कर रखी थी। जूलिया उस गाड़ी में बैठ के डायना को भी बिठा लेती है। तब पीछे वाला लड़का डायना को छेड़ने लगता है और आगे जूलिया उस लड़की से छिड़वाने लगती है। उसके बाद वो लोग सुनसान जगह पे गाड़ी रोक देते हैं। वहाँ जूलिया उस लड़के के साथ गाड़ी हिलाने लगती है। डायना को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता और वो लड़का डायना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके बाद जूलिया उसे बचाती है और गाड़ी का शीशा तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों ठहर के उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों सड़क के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद जूलिया देखती है कि डायना को कहीं चोट तो नहीं लगी और वो उसे किस करके अपने घर ले आती है। घर पे दोनों रात को एक साथ सोते हैं। अगले दिन डायना को अपने पापा के कमरे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डायना को लगता है कि शायद पापा पाप कर रहे हैं। उसके बाद डायना अगले दिन फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहाँ वो एंथनी जूलिया को एक साथ देखती है और उसे जेलस होने लगती है। और बाद में वो एंथनी से पूछती है कि क्या तुम जूलिया से प्यार करते हो, लेकिन एंथनी साफ मना कर देता है। अगले दिन डायना अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी और वो अपने पापा से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। उसके बाद डायना बोलती है कि क्या आप मेरे साथ बेड पर चलोगे, जिससे वो बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और अगर तुम्हें समझ होती तो तुम ये सारी बातें नहीं बोलती। अगले दिन डायना जूलिया के घर जाती है, जहाँ जूलिया उसे बोलती है कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम सही हो, तुम्हारे पापा कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। पर डायना बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा भी तुम्हारे पापा की तरह ही स्ट्रिक्ट है। जूलिया बोलती है कि शायद तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे देख के मुस्कुराते हैं, जिसे सुनकर डायना हंसने लगती है। अगले दिन जूलिया डायना और अपने मॉम डैड के साथ एक वेकेशन ट्रिप पर जाती है, जहाँ जूलिया के पापा को खांसी होने लगती है और वो अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। पर जूलिया उस होटल में
काफी ड्रिंक करती है और डायना को भी करवाती है। उसके बाद जूलिया वेटर से प्यार भरी बातें करने लगती है और वो वेटर से बोलती है कि 9 लक्खे में घोड़ी घोड़ी पर चढ़ेगा क्या। उसके बाद वेटर बोलता है नाचेंगे सारी सारी रात। उसके बाद वो दोनों रूम में जाके गपा गप करने लगते हैं, जिसे देख के डायना काफी खुश होती है जैसे उसने दीपक कलाल को देख लिया हो। उसके बाद जूलिया वॉशरूम जाती है और वेटर डायना से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें चुम्मा ले सकता हूँ। डायना भी उसे हाँ कर देती है और उसके बाद वो वेटर वहाँ से सर्विस देके चला जाता है। अगले दिन जूलिया डायना के साथ एक क्लब में जाती है, जहाँ जूलिया उसे एक लड़के के साथ डांस करने के लिए बोलती है और डायना उस लड़के के साथ कुत्ता डांस करने लगती है। उसके बाद डायना उस लड़के से बोलती है कि क्या तुम मुझे किस करोगे। वो लड़का बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। जिस पर डायना उसे बोलती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद दोनों किस करते हैं और वो लड़का उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ घपा घप करने की कोशिश करता है। डायना वहाँ से अनकंफर्टेबल होके आ जाती है। अगले दिन जब डायना अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके पापा एक पापन को ले आए हैं और वो बोलते हैं कि ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, लेकिन डायना को उसे देख के जेलस हो रही थी। अगले दिन डायना को अपने पापा के कमरे से घपा घप की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो पूरी रात नहीं सो पाती। कुछ दिनों बाद डायना के पापा सबको घुमाने के लिए ले जाते हैं, जिसके साथ जूलिया भी जाती है। वहाँ जूलिया एक लड़के के साथ दोस्ती करती है। उसके बाद वो लड़का रात में उन दोनों को इनवाइट करता है, जहाँ डायना पहली बार घपा घप का आनंद लेती है और उसके बाद जूलिया भी। अगले दिन डायना के पापा नहा रहे थे और ये दोनों उनसे मिलके मजे लेने लगते हैं और गलती से जूलिया डायना के पापा के स्पाइडरमैन को देख लेती है। रात को डायना के पापा ने काफी पी रखी थी, जिसके बाद जूलिया उसके पास जाके उसके साथ घपा घप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर चला जाता है। तब जूलिया भी बाहर जाती है और फाइनली वो दोनों घपा घप करने लगते हैं, लेकिन डायना उन्हें देख लेती है। जिसके बाद डायना लखनऊ वाली दीदी की तरह एक खिंचा के अपने बाप को चाटा मारती है और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। उसके पापा उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और वो बोट में बैठ के पता नहीं कहाँ चली जाती है। बोट बीच में फंसने के कारण वो तैर के नदी के किनारे आती है, जहाँ उसके पापा भी गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। जूलिया उसे बोलती है कि तुम आ गई, जिस पे वो बोलती है कि मैं नहीं आई, मुझे जबरदस्ती पापा लेके आए हैं। तब डायना जूलिया से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जूलिया उसे पूछती है कि कहाँ, पर डायना सड़क पार करके उस साइड जाके हंसने लगती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।